प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद देंगे। उनका ये भाषण शाम करीब 5 बजे होगा। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 31 जनवरी को बजट सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया था। उनमें उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया था। इधर भाजपा ने 3 लाइन का व्हिप जारी कर अपने सभी सांसदों से सदन में मौजूद रहने के लिए कहा है। संसद के बजट सत्र का आज चौथा दिन है, आपको बता दें, जहां पर पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देंगे। बजट सत्र चल रहा है संसद का, जहां आज चौथा दिन है, पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण का देंगे जवाब। तो वहीं बीजेपी ने अपने सांसदों को जारी किया है व्हिप। संसद के बजट सत्र के दौरान आज चौथा दिन, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण का जवाब देंगे। आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने सांसदों को व्हिप भी जारी कर दिया है और पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण का आज जवाब देंगे। संसद के बजट सत्र का चौथा दिन है आज। संसद का बजट सत्र चल रहा है और आज चौथा दिन है। आपको बता दें कि आज खास इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देने वाले हैं। इसको लेकर बीजेपी ने सभी सांसदों को व्हिप भी जारी कर दिया है। पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण का देंगे जवाब। संसद के बजट सत्र का आज चौथा दिन, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण जो होगा उसका जवाब देंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता दुर्गेश एन भटनागर फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, आज संसद का चौथा दिन है, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिभाषण का जो राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया उस पर अपना जवाब देने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल, आज माना जा रहा है कि करीब 5 बजे के आसपास जो है प्रधानमंत्री जो है वो अभिभाषण का रिप्लाई जो है वो देने वाले हैं। तो उसको लेकर इसलिए बात पुख्ता हो जाती है कि जो बीजेपी है उसने व्हिप भी जारी किया है अपने सांसदों को। तो उन्होंने व्हिप में साफ कहा है कि उस दौरान जो है अभिभाषण का जवाब प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाएगा। तो इस दिन, मतलब आज जो है वो व्हिप जारी किया गया, तो सभी सदस्यों को वहां पर स्थित रहना अनिवार्य किया है, क्योंकि अभिभाषण के बाद जो है वो सीधे तौर पर देखा जाता है कि जो है वो ध्वनिमत से उसको पारित करवाया जाता है। तो ऐसे में जो है कोरम पूरा होना चाहिए, तो इसलिए अभिभाषण पर जो जवाब प्रधानमंत्री का आएगा उसके बाद उसके लिए व्हिप जो है वो जारी किया गया है। सुनती जी दुर्गेश, इसके अलावा आज चौथा दिन है, तो उसको लेकर और क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, प्रश्नकाल से शुरुआत होगी और उसके बाद जो है शून्यकाल और उसके बाद अभिभाषण पर जो है वो बहस का जवाब जो है बहस जो है वो जारी रहेगी, वाद विवाद जो है उस पर जारी रहेगा और उसके बाद जो है 5 बजे तक
का जो टाइम है उस तक जो है कोशिश की जाएगी कि सभी सदस्यों के जो जवाब हैं वो अभिभाषण पर आ जाएं, और उसके बाद जो है प्रधानमंत्री जो है वो इस पूरे अभिभाषण को लेकर जो है वो जवाब जो है रिप्लाई जो है वो देंगे। तो विधायी कार्य भी कुछ होने हैं, वो सारी चीजें होनी है, और इम्पोर्टेंट जो है वो प्रधानमंत्री का जवाब है, क्योंकि अभिभाषण में आने वाले समय का और अब तक का जो केंद्र सरकार के द्वारा काम किया गया है उसका खाका जो है वो राष्ट्रपति ने दोनों सदनों की जो बैठक हुई थी उसमें अभिभाषण के दौरान रखा था, तो उसी के ऊपर जो है वाद विवाद हुआ है, और अब जो प्रधानमंत्री जो है आज शाम 5 बजे जो है वो इसका रिप्लाई देंगे। सूरती जी दुर्गेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो आज पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देंगे, संसद के बजट सत्र का आज चौथा दिन है।